तो आप लोग 2,20,000 रुपये लगेगा आपको 21 सीट कंप्लीट करवाने में, 20 सीट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि बढ़िया हो गए। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है ना वो सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं अपनी लाइब्रेरी में आया हुआ, और आज हमने देखे तो आपको आइडिया लग गया होगा भाई कि वीडियो में क्या होने वाला है। एक्चुअली मैं आज एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें अपनी लाइब्रेरी का जितना कॉस्ट है, मेरा क्या कुछ चीज़ें लगी हैं, सारा कुछ दिखाऊंगा, और ये लाइब्रेरी की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस दरवाजे से। ये दरवाज़ा बनवाने में मेरे को कितना खर्च लगा, ऊपर आप देख सकते हो ऐसा कुछ शटर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं लोहे का एक दरवाज़ा होता है, और ऊपर एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे भी लगवा रखा है मैंने। तो ये दरवाजे से मैंने स्टार्ट करते हैं। ये मेरे को पूरा तैयार करने में लगभग 5,000 रुपये गया, 5 से 6,000 रुपये, जिसमें कांच का प्राइस था 700 के आसपास ये कांच आया था, बाकी इसमें कुछ मजदूरी वगैरह थी। और ये पूरा डोर ये सप्लाई का है, नॉर्मल था, इसको आप ऐसे खींचोगे तो वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नेट लगवा रखा है मैंने, जो कि अंदर से ऐसे आके आप खींचते हो दरवाज़ा तो ये यहाँ पे आके आराम से चिपक जाता है। बाकी यहाँ पे कीप साइलेंस, और अंदर से देखोगे ना तो बाहर का भी कुछ ऐसा दिखता है। अभी सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा अपने केबिन से। तो ये केबिन आप देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, और बाहर से भी दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा कुछ छोटा सा ये केबिन बना हुआ है। इसका मैं ज़्यादा चार्ज नहीं दिया था, 400-500 रुपये दिया था, क्योंकि भैया जो थे बनाने वाले वो मेरे घर के बगल के ही रहते हैं तो वो नॉर्मली बना देते। बाकी यहाँ पे देखो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना हुआ है दोनों साइड। ये मंदिर मैंने ख़रीदा था, 500 के आसपास का था मंदिर, और वाईफाई का कनेक्शन अभी लॉस दिखा रहा है क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, 3 दिन से। और यहाँ पे ऐसा कुछ इन्वर्टर वगैरह का पूरा सेटअप है। तो नीचे आप देख सकते हो ये मैंने मैट लगवा रखा है, इसमें कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, नॉर्मली सारे फ्रेंड्स लोगों ने मिल के इसको साइज से निकाल करके बिछा दिया था। यहाँ पे मेरे को अराउंड पड़ा था, मैंने लिया था 17x25 का, तो 18x25 का मैंने लिया हुआ था, तो मेरे को लगभग 4600 के आसपास का इसका कॉस्ट पड़ा था, 4600 17x25 का, ठीक है। और चेयर का कॉस्ट मुझे पड़ा था 1100 रुपये होल सेल रेट। सिंगल पीस लोगे तो आप 1400-1500 के नीचे कोई नहीं देगा। का सेटअप ऐसा है, किस चेयर मैंने मंगाया था, और चेयर मेरे को पड़ी थी 24,500 के आसपास की। और एक चीज़ बोलूँगा गाइस कि आप लोग काउंट करते रहना, लास्ट में मैं पूरा काउंट करके अच्छे से बता दूंगा कितना कॉस्ट आया था, अभी मैं बताते चल रहा हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे देखोगे भाई ना, तो ये लाइट मैंने लगवा रखी है जिसकी कॉस्ट मुझे 110 रुपये पर पीस के हिसाब से मिला था, फिलिप्स वगैरह का 200 के आसपास का था। बाकी ये इलेक्ट्रिक चीज़ों का मैं आपको एक पूरा बिल दिखा दूंगा कितना खर्चा आया था, लगभग 8-12-13 हज़ार रुपये का इलेक्ट्रिक सामान मेरा आया हुआ था, ठीक है। ये सिंगल स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे देख सकते हो स्विच है और एक सॉकेट है। और दूसरा चीज़ ना, इलेक्ट्रॉनिक में मैंने ये इन्वर्टर लिया था एमरॉन का, जो कि 200 mAh की बैटरी थी, तो इसका कॉस्ट मुझे 20,000 रुपये लगभग पड़ा था। और यहाँ पे देखोगे तो एसी लगना बाकी है, जो कि समथिंग 32,000 के आसपास का है, 32-33,000 के आसपास का एसी पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पे ये पोस्टर वगैरह मैंने जितना भी मंगवाया था ना, इधर आप देख सकते हो टोटल काउंट करोगे तो आप लगभग 2,000 के आसपास का मैंने सब ऑर्डर किया हुआ था फ्लिपकार्ट से, उस टाइम सेल चल रहा था ना। और ये फ़ैन देख सकते हो आप, ये फ़ैन मेरे को 2,000-2,100 के आसपास का पड़ा था, ये 2,000 का, ये 2,000 का, ये और बाकी 1400-1400 का, ये दो फ़ैन मैंने लिया था। तो लास्ट में सब काउंट करके आपको बता दूंगा कितना खर्च आएगा मेरा पूरा बनवाने में कितना आया। अब बात करते हैं ना ये जो फर्नीचर वाला सारा मटेरियल, तो फर्नीचर का काम कराने में मेरे को लगभग 20,000 रुपये खर्च आया था, जो कि हाफ प्राइस में मेरा हुआ था, नहीं तो ऐसे कराता कर तो 40,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता मेरा पूरा। 40,000 रुपये का ना ये फर्नीचर का मटेरियल मेरा लगा था, जिसमें मतलब ये पूरा इंक्लूड है, बाकी ये डोर का पूरा इंक्लूड था इसमें। 40,000 के आसपास पूरा ये फर्नीचर का मेरा गया था, तो 40,000 इसमें गया फर्नीचर में, 20,000 पूरा अराउंड गया था उसका मजदूरी वगैरह जो होता है, और बाकी वायरिंग का जो मजदूरी था वो 3,3500 लगा था उसमें वायरिंग की मजदूरी में। इतना गुस्सा अभी भाई एक आया है जो कि मेरा फ्रेंड है संतोष यादव, ये कॉलेज में ही रहता है, साथ में यहाँ पे ज्वाइन किया भाई, पहला ज्वाइनिंग इसने किया था। जो पेंट मैंने नॉर्मल सा लगवाया था, इसमें कोई नहीं डिस्टेंपर आता है ना वो लगवाया था मैंने, हालांकि वीडियो बना रखा हूँ मैं ऑलरेडी इसका। तो पेंटिंग में मेरा सब मिला के 2,000 रुपये गया था, मतलब पूरा पूरा जैसा जो पेंट वगैरह लेके थोड़ा जो प्राइमर वगैरह लगता है ना ऊपर देख सकते हो वाइट वगैरह, तो ये सब लेके मेरा 2,000 रुपये इसमें गया था पेंटिंग में। और यहाँ पे देखो गाइस ना, तो यहाँ पे MI का मैंने कैमरा मंगाया था, जो कि ना वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो अभी ये बंद है क्योंकि वाईफाई भी बंद है, तो ये भी बंद है और मैंने ऑफ भी कर रखा है इसको अभी। तो ये कैमरा मेरे को अराउंड 3,000 के आसपास का पड़ा था, अभी मैं इसको देख रहा हूँ ना तो ये 4,000 दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पे, उस टाइम सेल चला था तो 3,000 में मिल गया था ये कैमरा, 360 डिग्री का है, 1080p पे रिकॉर्डिंग वगैरह करता है। और इसमें एक खासियत है ना कि घर से भी बैठ के आप हैंडल कर सकते हो, घर से भी जो बोलोगे इसमें सुनाई देगा, और यहाँ से जो लोग बोलेंगे ना असिस्ट करोगे आप घर से भी असिस्ट कर सकते हो आराम से। तो और दूसरा चीज़ दिखाऊँ तो ये वाईफाई, मैंने पहले क्या ना कि एयरटेल का वाईफाई लगाने वाला था, बट एयरटेल का यहाँ पर लगा नहीं किसी रीजन से, तो मैंने अभी एक साइटेल का वाईफाई लगवाया था जो कि मेरे को
3300 के आसपास पड़ा था, 3300। तो ये अभी चला, अभी देख सकते हो मैं कनेक्शन लॉस दिखा रहा है ना, क्योंकि लाइट दो दिन से गायब है इधर, तो इस वजह से अभी इसका कनेक्शन लॉस दिखा रहा है। बाकी अच्छा खासा स्पीड है, 3 महीने का है, 3300 में लिया था मैं, और जिसमें 300 Mbps का प्लान था। बाकी पूरा एक बार आप देख लो कैसी लग रही है लाइब्रेरी। तो गाइस अभी देखो ना, मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट है, हालांकि ये मतलब ना जो मेन चीज़ इतनी खर्चे हुए ना उसका ये लिस्ट मैंने बना रखा है। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने जो रूम लिया उसका 20,000 मैंने एडवांस पेड किया था, ठीक है, और 500 रुपये लगा था एग्रीमेंट का, 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाया था मैं। और फर्नीचर में यानी कि ये जो प्लाई वगैरह ये सब देख रहा हूँ सामने ना, ये अभी मैं केबिन में बैठा हूँ अपने, तो इसका खर्चा आया था 45,000 रुपये, और इसमें 1-2,000 रुपये ऊपर नीचे आप लोग मान लेना। और जो फ्लोर का मैट लिया था मैं वो 4900 रुपये यानी कि 5,000 रुपये का आया था। और ये चेयर 24,000 की पड़ी थी मेरे को, जिसमें मैंने 21 चेयर ली हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक मेरे को 16,000 के लगभग का पड़ा था, इन्वर्टर 20,000 का पड़ा था, कैमरा 3,000 का, और वाईफाई मैंने 3300 में लगवाया एक्साइटल का। एसी अभी लगना बाकी है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ 35,000 से कम की एसी नहीं मिलेगी। और डेकोरेशन और पेंट में 5,000 रुपये खर्चे हुए, और एडवर्टाइज मतलब जैसे कि बोर्ड वगैरह जो कुछ होता है ना, इस समय मेरा 8,000 रुपये लगभग गया, और एक्स्ट्रा में मैं 3,000 लेके चल रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें आई हुई थी। और मजदूरी जो लगा था ये मैंने हाफ प्राइस में करवाया था भाई, क्योंकि मेरे गांव के ही थे जिन्होंने बनाया इसको, तो 20,000 रुपये मजदूरी गई इसकी। और इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी जो थी वो 3500 रुपये गई, आप लोग कराओगे तो लगभग 4500 रुपये आप लोग का जाएगा। तो ये सब टोटल करने पे ना यहाँ से यहाँ तक पूरा 210,700 रुपये जा रहा है। इसमें आप 1-2,000 ऊपर नीचे ही मान के चलना, क्योंकि ओपनिंग हुआ था तो उसमें भी 3-4,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ था, तो यानी कि मोटी मोटा मान लो तो आप लोग 220,000 रुपये लगेगा आपको 21 सीट कंप्लीट करवाने में, 20 सीट। तो ऐसा कुछ ये लिस्ट है भाई, अभी आप देख लो 20 सीट का यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो लाइब्रेरी ओपनिंग कॉस्ट 20 सीट के लिए 210,000 अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मेरा लगभग लगा है। इसमें 2-4-5,000 ऊपर नीचे आप लोग मान लेना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना छोटे छोटे स्टिकर्स वगैरह लगे हैं, इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब छोड़ जाऊँ, क्योंकि ये सब नॉर्मली आपको 100-150 के अंदर में मिल जाता है। सिर्फ नॉर्मल पोस्टर तो आपको ये 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है, तो ये 6x1 का बनवाया था मैं, तो 60 रुपये इसका, और लगभग इसका भी 60 रुपये था। तो ये ग्लो साइन बोर्ड इसको बोलते हैं, जिसके अंदर लाइट जलती है, तो ये 4x2.5 का मैं बनवाया था, तो मेरे को ये 3,000 के आसपास का पड़ा था। और सामने ये देखोगे तो ये है 6x3 का, ये भी मेरे को लगभग 3600 के आसपास का पड़ा था। तो आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर आपका प्लान है कि आप लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दिया भाई कितना देखो खर्चा जाने वाला, 20 सीट का लगभग 2 लाख प्लस ही मान के चलना आप लोग, इतना खर्च आएगा। कितना भी मतलब मैं ये जो मटेरियल लगाया ना बहुत हाई फाई नहीं लगा, मीडियम क्वालिटी का लगा, लो भी नहीं लगा ना तो हाई फाई मीडियम में लगवाया था, तो इतना खर्चा गया है, ठीक है, इतना खर्च लगेगा आपका 2 लाख प्लस लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, और एक नई वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, और उसकी अलग से वीडियो आने वाली है, पार्टी हम लोग करेंगे बढ़िया से, और फिर मस्त मस्त ट्रिप पे जाएंगे। 4 दिन में मेरा एग्जाम है, वो एग्जाम खत्म हो जाता है, 4 पेपर है बस, जल्दी से खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं मस्त फ्री हूँ, हम लोग चलेंगे बढ़िया से ट्रिप करेंगे। इस बार ना आउट ऑफ सिटी चलेंगे हम लोग, मतलब कहीं दूर चलेंगे भाई, 400 से 500 किलोमीटर की जो राइड होगी उस पर चलेंगे हम लोग। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और आप सभी अपना ख्याल रखो, और वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।